राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में भी और उससे जुड़े विवादों में भी। एक तरफ जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए बीजेपी के आला नेताओं समेत पीएम मोदी और सीएम योगी जुटे हैं, तो दूसरी तरफ आयोजन पर उंगली भी उठ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद शंकराचार्य ने आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाए हैं। शंकराचार्य इस बात से नाराज हैं कि आयोजन में धर्मशास्त्र की अनदेखी हो रही है, इसलिए चारों शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने का फैसला लिया है। पहले शंकराचार्य को सुनिए, आगे बताएंगे कांग्रेस ने न आने के पीछे क्या दलील दी है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। इधर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की शिरकत को लेकर जारी कयास और तनातनी पर विराम लग गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का इवेंट बताकर किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने साफ किया है कि न सोनिया गांधी और न ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस कार्यक्रम में शामिल हों। इसके साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन भी शिरकत नहीं करेंगे। इन नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण को ठुकरा दिया है। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस ने न आने के पीछे भी वही दलील दी है जिसको लेकर शंकराचार्य ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा, पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार करने वाला जो लेटर जारी किया है उसमें आगे लिखा है, स्पष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को सम्मान अस्वीकार करते हैं। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 6000 से ज्यादा लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी समारोह में शामिल नहीं होंगी, जबकि सीताराम येचुरी भी निमंत्रण अस्वीकार कर चुके हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।